मुझे चाहे कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े, पर मैं नताशा को जेल नहीं जाने दूंगा। गलती हुई, पूरे परिवार की तरफ से आपसे आपसे माफी मांगता हूँ। आप इसे जाने दीजिए। मोहित प्लीज, मेरे लिए आप हाथ मत जोड़िए। आप माफी मत मांगिए। जो गलती मैंने की नहीं, उसके लिए आप हाथ मत जोड़िए। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सचमुच मैंने ये गलती नहीं की है। मेरी तरफ देखिए। हाँ, मैं छोटी मोटी गड़बड़ कर सकती हूँ। मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पसंद है। मैं यहाँ की बातें पसंद नहीं करती। हाँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि भाभी अपनी पैशन फॉलो करें, लेकिन उसके लिए गोलू को किडनैप करवाना, ऐसी हरकत तो मैं नहीं कर सकती। ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद है, किसने इसे पट्टी पढ़ाई, लेकिन ये लड़की मुझे झूठा इल्जाम लगा रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर है तो इसे बोलो दे दिखाने के लिए। बोले इसके पास कोई सबूत नहीं है। क्या बोलो, है सबूत तुम्हारे पास? मारती अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ है। सबूत चाहिए ना, सबूत दिखा रहा है सबको। ठीक है, दिखाती हूँ मैं सबूत। सिर्फ एक मिनट, ये देखिए, आप सब देख लीजिए। आज का कॉल लॉग है, इसके पहले का भी मैं दिखा देती बट डिलीट हो गया गलती से। पर हाँ, आज सुबह ही इनका कॉल आया था मुझे कि यहाँ आना है, यही एड्रेस पे, पैसे यही मिल जाएंगे। लेकिन ना ये खुद आई, ना इनका कॉल आया। पूरे 4 घंटे वेट किया है मैंने। बस फिर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा इसी की नियत में खून है। गुस्से गुस्से में मैं खुद ही पुलिस के पास चली गई। देख लीजिए आप। क्यों खड़े हो? प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो धवल। साजिद जी, हर चोर ना यही कहता है अपने बारे में, कभी कोई बोलता नहीं कि मैंने गलती की है। लेकिन जो कुछ भी कहना ना आपको, चलो वो इसे सुन कर देते हैं। चलो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगी। देखो उसने लेके जा रही है, जा रही है चौकट के पास आई, इतने पीछे से आवाज आई, रुक जाइए। जेल जाना पड़ेगा, इस घर की बहू है, ऐसे कैसे खींच कर ले जा सकते आप उस घर को? लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दे। ये जो तू अमरीश के लिए कर रही है ना, मेरे अमरीश ने बचपन से बहुत तकलीफें झेली। उसने अपने परिवार के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया है। ना दिन देखता है, ना रात देखता है। 24 घंटे मेहनत कर कर के उसने अपने भाइयों को इस लायक बनाया है कि समाज में उनका नाम है, सम्मान है। आज तो क्यों मेरे बच्चों की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है तुझे? और क्या किया उसने? तुझे दिखाई नहीं देता। वो दिन रात मेहनत करता है परिवार के लिए, एक एक जन के लिए खाना, सोना, कपड़ा, जूता, गाड़ी घोड़ा, हर चीज का इंतजाम करता है। और कुछ सारे दिन एक बाइक पे घूमता रहता है आज भी। अरे उस जैसा बेटा हाथ में दिया लेके भी निकलेगी ना, उस जैसा भाई, उस जैसा बेटा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। क्यों उसे परेशान कर रही है? सच मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं। आइए आइए यार, अभी रिसेंटली बड़ा मतलब मेजर इशू चल रहे हैं हमारे घर पे। हमारा बच्चा बेचारा गोलू किडनैप हो जाता है। अब किसने किडनैप किया, क्यों किया, ये तो
अंदर की स्टोरी, हमारी बहन भी आ रही है, बाकी तो आप एपिसोड देखेंगे आपको तो पता चलेगा। तो किसने किडनैप किया, क्यों किया, अब इल्ज़ाम सारा आता है नताशा पे, और ये अम्बरीश को है कि भाई नताशा ने किराया उसको नचाने के लिए। तो नंबर तो लगेगा, हितल का नंबर भी लगेगा और नताशा का नंबर भी लगेगा। अब नताशा को सबक सिखाने के लिए, अब जो भी चीज़ें, जब मचान चल रहा है, कांड चल रहा है, पुलिस आ जाती है, तो अभी वही सब चल रहा है कि पुलिस आती है, नताशा को लेके जाती है। अब क्या नताशा जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, अब सब मैं बताऊंगा तो एपिसोड कैसे देखेंगे आप। सस्पेंस तो होना चाहिए ना आपके लिए। मैं ये भी बता दूं कि भाई गोलू को किसने किडनैप किया, उसके बाद मैं ये भी बता दूं नताशा जेल जाएगी नहीं जाएगी, अब फिर क्या देखेंगे आप बाकी एपिसोड में। टीआरपी बढ़ाइए देख देख के। नताशा और मेरे बीच में तो बहस तो हमारी होती ही है, बहस पहले नहीं होती थी, इनफैक्ट अब बहस शुरू होगी, एक बहसबाजी विद एक रिस्पेक्टेड बहसबाजी, क्योंकि नताशा को एक रिस्पेक्ट तो है ही, पर फिर भी वो अपने असूलों पर, अपने क्रेडोस पे वो डटी हुई है। वही अमरीश का भी है कि उसको भी पता है कि भाई कहाँ पे उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो उसका वैल्यू सिस्टम है, जो मे बी एक्सेप्टेड बाय फ्यू पीपल, मे बी अनएक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, पर उसके भी अपने व्यू सिस्टम है। पर जो भी है, दोनों के अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ना ये गलत है ना वो गलत है, हाँ उसकी अपनी सोच है, इसकी अपनी सोच है। तो अब वो एक वो चीज़, वो क्लैश तो आता ही है कि मतलब आप टू मेक योर पॉइंट एविडेंट, उसको भी अपना पॉइंट प्रूफ करना, मुझे भी अपना पॉइंट प्रूफ करना, तो आपस में एक रिस्पेक्टेबल करते करते थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बहसबाजी तो चलती रहेगी। प्लीज़ यस, देखिए आप पांड्या स्टोर देखते रहिए, पांड्या स्टोर आप देखते रहिए। वी आर वर्किंग रियली हार्ड, हमारी सारी टीम, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो हमारी क्रिएटिव राइटर्स हो, हमारे प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग सो हार्ड टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द ड्रामाज एंड द बेस्ट ऑफ इमोशंस एंड द बेस्ट ऑफ फीलिंग्स। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज़ देखिए एंड गिव अस अ लव, एंड वी लव यू एज मच, even more than you love us. Thanks a lot.